कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रैयतिही के मिस्दाक, और उससे उसकी उस रियाया का जो उसके मातहत थी पूछा जाएगा कि तूने क्या किया इस जिंदगी। सच्चाई मैदान जीत के आएगी, अगर चे ताबीर की गलती ही क्यों ना हो। तो मैं चाहता था कि मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी की तहरीक मैं जान सकूं कि गलती कहां हो रही है। पानी रास्ता नहीं बना सका, क्यों नहीं बना सका? वो इंकलाब अगर नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका? दुश्मन दोस्त ना बन सके, क्यों ना बन सके? दोस्त सज्जन ना बन सके, क्यों ना बन सके? हम अगलों की सफों में वो जलजले नहीं ला सके, क्यों ना कर सके? वो मेराज हमसे छिन गया तो क्यों छिन गया? मैं टेबल पे बैठ के डील क्रैक ना कर सका, क्यों नहीं कर सका? क्या गलती थी? अगरचे ये दुनिया तो बनी है कि इंसान फतह कर इसको अल्लाह की मदद से। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रैयतिही के मिस्दाक, अल्लाह कहता है एवरी मैन इज अ किंग, हर इंसान को हमने कुछ ना कुछ सुल्तान दिया है लाइफ, और उससे उसकी उस रियाया का जो उसके मातहत थी पूछा जाएगा कि तूने क्या किया इस जिंदगी, कितने कलेजे हिला के आया इस दुनिया में, कितनी रूहों को मकसदियत का दर्श दे के आया, कितने समंदरों के रुख मोड़े हैं तूने अपने नजरिए की तरफ। मा फौकल फितरत और मा तहतल फितरत इम्तिजाज के साथ कितनी जिंदगियां तूने दुरुस्त की हैं। अपने अंदर के बातिन के कितने फिरकों को तूने मुंह दिया कि अगर खौफ को पकड़ो तो उम्मीद भाग जाती है, उम्मीद को पकड़ो तो खौफ दम तोड़ देता है। अल ईमानु बैनल खौफ वर रिजा संभालते हुए खुद जान तोड़ देगा। उसे संभालने की कोशिश करे होंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा यकीन मारने के लिए। उसे संभाल रहे होंगे तो कुव्वत इरादा के ऊपर शाबात आ जाएंगे। ये दोनों फसाद फिल इरादा फिल इस्तदलाल संभाल ही रहे होंगे, इतने में माजी का इश्क आ जाएगा, वो नफ्सियात की बलाएं आ जाएंगी। तो ये मसाइल के बीच में मैं कोई कुल्ली कायदे जानना चाहता था जिधर से मैं हर रोज चेक कर लूं गलती कहां से हो रही है। क्योंकि क़यादत और इमामत और लीडरशिप का सबसे बड़ा उसूल कुरान कहता है फला तुलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, अगर जो जुमला शैतान ही कहेगा क़यामत के दिन, वक़ौल शैतान लम्मा क़ुदिया अल-अम्र, और अल्लाह ने शैतान की पूरी जिंदगी के ये आखिरी जुमलों को रकम किया है कुरान के अंदर सूरह इब्राहिम में कि वो जाते हुए बताएगा इंसानियत को कि होया किस। तो उन बड़े जुमलों में से एक बड़ा उसूल निकलता है जिंदगी में बर्बादियों को समझने का, उसूल उल खसारा अगर हम कहें कि मलामत हमेशा टॉप मैनेजमेंट पे जाएगी भाई, लीडरशिप हमेशा रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है कि अगर लोग निकल गए हमारे हाथ से। मैं टेबल पर अगर अपना गीत ना बेच सका मेरी गलती, हम मजमे को कायल ना कर सके मेरी गलती, मैं मां और बीवी के बीच का वो तवस्सुत इख्तियार नहीं कर सका हमारी गलती, वक्त की बैना जाले का सबीला नहीं कर सका हमारी गलती, बच्चों में वो एतमाद ना पैदा कर सका हमारी गलती, मसलक को अपना दर्द नहीं बेच सका ये हमारी गलती, ये मेरी गलती, मनज संभालते संभालते अकीदा निकल गया हमारी गलती, अकीदा पकड़ने गया मनज निकल गया हाथ से हमारी गलती, दोनों संभाल रहा था तो फिका बर्बाद हो गई हमारी गलती, खानदान को अपना कारकुन नहीं बना सका हमारी गलती, मां बाप को कायल ना कर सका मेरी गलती, मुल्क में अपना किला नहीं मनवा सका मेरी गलती। उसूल यही कहता है कि इल्जाम खुद लेना पड़ेगा, और नबवी सुन्नत और मनज भी यही है। यह तो शैतानी रविश थी जिसने कहा कौला रबी बेमा गई थे नहीं,
نسبت شر اس نے نعوذ باللہ اللہ کی طرف کر دی, جبکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما اکتسبت ایدی الناس. اور یہ تو نبوی منج ہے, ربنا ظلمنا انفسنا, مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا اللہ, کچھ مجھ سے ہی ہو گیا, میں ہی غلط ہوں. مگر اپنے آپ کا سیلف چیک لیتے ہوئے اور سیلف ریفلیکشن لیتے ہوئے اور سیلف انالیسس کرتے ہوئے اور خود ہی کا تجزیہ اور محاسبہ کرتے ہوئے خود ہی برباد بھی نہیں کرتا ایک مومن. تو میں جاننا چاہتا تھا غلطی کہاں ہو رہی ہے, کیونکہ مثبت چیز منفی کو کھا جائے گی, یہ قاعدہ ہے. اس بات نفی پہ غالب ہوگا انشاءاللہ. پوزیٹیوٹی آپٹیمزم ہمیشہ میدان مارے گی, سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تعبیر کی غلطی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے تو جب اس نے کہا انت اب دیوانہ ربک, تو جملہ اپنے محل میں کفریہ ہی ہے, لیکن نیت اور قصد اور عزم اس کا للہیت اور الوہیت والا ہی تھا. تو اللہ نے کیا جان رہے او جان دیے انسان نال دے کلو بنی آدم خطا. تو تعبیر اور عبارت کی غلط اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہت سے, لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوا, پھر کیوں چھن گیا, پھر کیوں در لٹ گیا میرا, پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگے میل بن سکا, وہ فکر اس عروج تک کیوں نہ پہنچ سکی. حق ہونے کے بعد بھی کیوں نہیں وہ بات سینے میں اتر سکی, اگرچہ اللہ قلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی وراثت, قلت ہی تھی. اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں, میکروز جسے ہم کہتے ہیں, میکرو پرنسپلز کہتے ہیں ہم, جزیات تو ایسی ہیں کہ حیران ہو جائے انسان. کسی جگہ پر ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور کسی جگہ پر ہے جَزَاءُ السَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا,